हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एसपी सिंह और आप देख रहे हो एसपी स्टोन वर्किंग। तो यार, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ग्रेनाइट डिज़ाइन बॉर्डर पट्टी में ये जो हमने बनाया है, ये है, इसको बोलते हैं उल्टी गांठ का खसका, इसको बोलते हैं। तो आप देख सकते हो कि किस तरीक़ा से हमने ये उल्टी गांठ का फर्मा हमने बनाया है और किस तरीक़ा से ये हमने बनाया, कंप्लीट किया है। तो हम आपको इस वीडियो में ये भी बताने वाले हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो ये चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि पहले आप देख सकते हो कि हमने इसमें इसकी कटिंग कर चुके हैं, और कटिंग करने के बाद यहाँ पर मैं आपको खसका बनाकर बताता हूँ कि किस तरीक़ा से हमने ये बनाया है, किस तरीक़ा से इसकी मार्किंग की जाती है। तो यार, सबसे पहले आप देख रहे हो कि ये जो मार्किंग हमने की है इस खसका के लिए, तो इस धार से हमने ये लिया है 150 mm छोड़कर, और एक मार्किंग की है, और इस धार से भी ये 150 mm छोड़कर हमने मार्किंग की है। और ये जो आप देख रहे हो, जो मार्किंग हमने की है, ये 3 इंची की पट्टी के लिए ये मार्किंग की है, और इसीलिए हमने ये धार जो हमारी पट्टी है उससे छोड़कर 150 mm बनाया है, क्योंकि ये पट्टी हमारी 75 mm की है, और 150 mm छोड़कर अगर हम इसको बनाएंगे तब ही जाकर ये अच्छा लगेगा। और जो ये अंदर वाली जो हम डिब्बी इसमें छोड़ेंगे वो भी हम 150 mm की छोड़ेंगे। तो अब हम आपके सामने ये बताने वाले हैं कि किस तरीक़ा से हमने ये इसकी कटिंग की है और किस तरीक़ा से हमने इसकी फिटिंग की है। और दोस्तों, जो पट्टी के लिए हमने ग्रेनाइट यूज में किया है वो ब्लैक ग्रेनाइट है, और जो फर्श हमारा लगा हुआ है वो साधारणली ग्रेनाइट है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और इसमें ये भी देखें कि किस तरीक़ा से हमने ये बनाया है। तो यार, इस तरीक़ा से हमने ये डिज़ाइन बनाकर आपको दिखाया है, और अगर आप चाहो तो आप भी इस डिज़ाइन को बना सकते हो, क्योंकि यार बहुत ही आसान ये डिज़ाइन है, इसमें कोई ज़्यादा भेदभाव नहीं है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर
शेयर ज़रूर कर दें, और जो भाई हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो यार फिर मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहो, सलामत रहो।